नमस्कार, आज हम राजगिरा आटा का पराठा बनाएंगे। यह पराठा बहुत ही हेल्दी होगा और टेस्टी भी होगा। राजगिरा के आटे का पराठा बनाने के लिए राजगिरा का 2 कप आटा ले लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अजवाइन 1 टीस्पून मसलकर डालेंगे। 1 टीस्पून मंगरेला मसलकर डालेंगे। घी 2 चम्मच डालेंगे। अब इसका मोयन कर लेंगे। अच्छा से आटा को मिक्स कर लेंगे। जब अच्छा मोयन हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पराठे की तरह आटा गूंद लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बड़ा लोई ले लेंगे, उसको गोल बेल लेंगे, घी लगा देंगे और फोल्ड कर लेंगे। फिर से घी लगाएंगे, फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसका एक ट्रायंगुलर शेप आ जाएगा। इसको बेल लेंगे पराठे की तरह, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। तवा गर्म करेंगे, इसमें बेले हुए पराठे को डाल देंगे। थोड़ा कलर इसका जब ऊपर का डार्क हो जाएगा तब हम इसे उलट देंगे। इसे भी थोड़ा पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, पराठे को उलट देंगे। घी या ऑयल चारों तरफ लगा देंगे। दोनों साइड घी या ऑयल लगा देंगे। पराठे को उलट पलट कर अच्छा सेंक लेंगे, अच्छा पका लेंगे, दबा दबा के अच्छा पका लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी राजगिरा के आटे का पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी होगा। इसी तरह और भी पराठे रेडी कर लेंगे। राजगिरा के पराठे को आप कोई सा भी सब्जी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, आज हम राजगिरा आटा का पराठा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। बनाना शुरू करते हैं। राजगिरा का पराठा बनाने के लिए राजगिरा का आटा 2 कप ले लेंगे। उसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे। 1 मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ती बारीक काट कर डाल देंगे। स्वादानुसार सेंधा नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड आटा गूंद लेंगे। पानी करीब करीब 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसको ढक कर 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इसका एक बड़ा लोई बनाएंगे। चकले पर थोड़ा घी या मूंगफली का तेल रखेंगे, फैला लेंगे। उसके बाद इस राजगिरा के आटा के बॉल का पराठा बेलेंगे तो पराठा थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। इस तरह का हमारा पराठा बेल जाएगा। उसके बाद इसको हम चाहे तो हाथों से भी थोड़ा दबाते हुए अच्छा गोल फैला लेंगे, अच्छा शेप दे देंगे। पराठा हमारा बेल के रेडी हो जाएगा। अब तवा गर्म करेंगे, तवा पर पराठे को डाल देंगे। थोड़ा जब ऊपर का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसको उलट देंगे, उल्टे साइड भी पका लेंगे। बहुत तेज फ्लेम पर नहीं पकाना है, इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और आराम से पकने देंगे। क्योंकि इसका पराठा थोड़ा मोटा है तो थोड़ा अच्छा पका लेंगे। जब ये थोड़ा सीख जाएगा तब इसको उलट देंगे। इसमें मूंगफली का तेल या घी लगा देंगे। उलट पलट कर अच्छा सेंक लेंगे, दबा दबा कर अच्छा पका लेंगे। जब ये अच्छा पककर रेडी हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से और भी पराठे रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं या बिना व्रत के भी खा सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसके साथ खाने के लिए कोई व्रत वाली सब्जी या फिर व्रत वाली चटनी या फिर दही के साथ खा सकते हैं। और अगर आप ऐसे आप खाने के लिए बना रहे हैं तो इसे कोई भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। तो इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स।